You are the very source of happiness, not just for you, for this body, for all the bodies in this creation. नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, सुनते रहो, आपकी तारीफ ही हो रही है, बुराई नहीं हो रही। अब प्रॉब्लम पता है क्या है आप लोगों की, मैं बताता हूं आपको। अगर तू तो डम है तो गुस्सा आता है ना, इसका मतलब क्या है, अगर आपकी कोई बुराई करता है यानी कि आपको नीचे गिराता है तब तो आप बड़ी जल्दी मान लेते हो और रिएक्ट कर जाते हो। लेकिन अगर कोई आपकी तारीफ करता है, छोटी मोटी तारीफ नहीं, कोई बड़ी तारीफ करता है, तो बोल दो नहीं नहीं मैं कहूं। ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको कहूंगा कि यार आप तो बड़े गए गुजरे आदमी हो, आपको तो नर्क मिलेगा, मान जाओ। हैं, मुझे नर्क मिलेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा? जरूर इस बंदे को कुछ पता होगा, इसके पास में कुछ ऐसी पावर्स हैं जो मुझे पता नहीं है, जरूर इसको पता होगा, ये कुछ देख रहा है जो मुझे नहीं पता है। कौन से मेरे कर्म है, मुझे क्या करना पड़ेगा, किस गाय भैंस के ऊपर क्या करना पड़ेगा, बताओ मुझे, मुझे नर्क नहीं चाहिए। अच्छा नर्क में क्या होता है मैं बता दूंगा, ये होता है देखो, यही है बस, तेरी औकात ही यही है, दो कौड़ी के इंसान, आप मान जाओगे और मेरे हिसाब से चलने लग जाओगे। अगर मैं आपको बोलता हूं सच, गारंटेड नहीं मानेंगे, मुझे पता है कोई नहीं मानेगा, वो क्या है कि आप भगवान, ये बात हजम होगी? नहीं, मैं भगवान कैसे, मैं तो गलतियों का पुतला हूं, मैं तो गलतियों की पुतली हूं, मैं तो गई गुजरी हूं, मैंने तो इतने बुरे बुरे काम करे, मैं भगवान कैसे हो सकती हूं, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं, यही सब आएगा माइंड में। ये सच है, चाहे आप इस बात को जानो या ना जानो, मानो या ना मानो, यू आर द इंफिनिट, यू आर द इंफिनिट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। आपको खुश होने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है, आप खुश हो, आप खुशी का सोर्स हो, यू आर हैप्पीनेस। जब भी आप दुखी होते हो तो आप अपने आप को कुछ और समझ लेते हो और फिर दुखी होते हो, समझ में कमी है, हो कुछ और समझ कुछ और रखा है। जैसे हो ये बॉडी लेकिन अपने आप को शर्ट समझ लो, अभी शर्ट के ऊपर किसी ने इंक फेंकी तो आप दुखी हो गए, शर्ट फटी तो आप दुखी हो गए, शर्ट के बारे में कोई अच्छा बोलेगा तो आप खुश हो गए, लेकिन आपको यह समझ आएगा शर्ट नहीं हो तो शर्ट फटती है फटे रहती है रहे, इसके बारे में कोई अच्छा बोलता है बोले, बुरा बोलता है बोले, आई एम नॉट द शर्ट, शर्ट की बात हो रही है मेरी बात नहीं हो रही है, दोनों फर्क समझ आ रहा है। जो आप एक्चुअल में हो अगर वो आप समझ जाओ, जो समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बात करूं परमानेंट सोल्यूशन का, एक है टेम्पररी सोल्यूशन, आपका मूड अच्छा नहीं है, मूड अच्छा कैसे होगा, मेरे सेशन देखो मूड अच्छा हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, कुछ देर बाद फिर मूड खराब हो जाएगा, ये है टेम्पररी सोल्यूशन। ये भी जरूरी है कि अगर कोई इंसान बीमार है तो उसको गोली देनी ही पड़ेगी ना, तो ये गोली के जैसा है। परमानेंट सोल्यूशन क्या है, आपको समझ आ जाए मैं हूं कौन, देन आपके अंदर एक ग्रैंडनेस आ जाएगी, देन आप छोटी मोटी बातें करोगे ही नहीं, छोटी मोटी बातों का आपके ऊपर असर होगा ही नहीं। कि जो सेंस ऑफ लोनलीनेस है आपके अंदर, इसको अगर जड़ से पूरी तरह से उखाड़ देना है तो वो क्या है कि आप अकेले में भी अकेले नहीं हो, अकेले में आप खुद के साथ, और आप क्या हो, यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम दिस क्रिएशन, यू आर दिस क्रिएशन, यू आर एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इन यू। ये बात नहीं समझ आ रही ना, आप इस यूनिवर्स में नहीं हो, इस यूनिवर्स में एक छोटा सा डॉट नहीं हो, ये पूरा पूरा यूनिवर्स आप में है, बट ये देखने के लिए एक सिंपल एक नजर चाहिए।